हूँ एलेस्टर रॉड एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ वर्ल्ड फेमस गेम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 0.15.0। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन बिलो। आपका बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस गेम में है क्या। तो ये है वर्ल्ड्स विंडो जिसमें आपने जो भी कुछ वर्ल्ड्स क्रिएट किए होंगे वो आप इसमें देख सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स विंडो जिसमें आप एक्सटर्नल सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो दूसरा एक्सक्लूसिव फीचर डेवलपर्स ने ऐड किया है वो है आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं पर्सनली। आप खुद के वर्ल्ड में खेल सकते हैं, उनके साथ बैटल कर सकते हैं। तो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में आप सिर्फ दो मोड्स में गेम खेल सकते हैं, एक है सर्वाइवल मोड, दूसरा है क्रिएटिव मोड। तो हम पहले सर्वाइवल मोड में एक गेम या फिर वर्ल्ड बना लेते हैं। तो हम वर्ल्ड को नाम देंगे माय फर्स्ट वर्ल्ड। इन वर्ल्ड की एक खासियत जो रहती है वो है ये वर्ल्ड रैंडमली बनते हैं, यानी कि जो भी कुछ क्रिएट होंगे जनरेट होंगे जो भी कुछ बायम्स जनरेट होंगे वो रैंडमली बनेंगे। तो हमारा ये वर्ल्ड जो रैंडम वर्ल्ड है वो सर्वाइवल मोड में बन चुका है। पर्सनली मेरा बहुत सा जो टाइम है वो सर्वाइवल मोड में स्पेंड करता हूँ एंड सर्वाइवल मोड मुझे क्रिएटिव मोड से बहुत पसंद है। और उसका मेन रीज़न जो है वो सर्वाइवल मोड बहुत सारे एडवेंचर से भरा हुआ है एंड बहुत सारे डैमेजेस से, यस दैट्स फॉल डैमेज, और बहुत सारे रिसोर्सेस जो कि आपको कलेक्ट करने हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस आई नो दैट्स बोरिंग, या फिर एक्सप्लोर करना जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसका एक बेनिफिट है आपको एक्सप्लोर करने के लिए मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एनिमल्स को मारना। हे मिस्टर शिप कम हियर, हे देयर यू गो, सॉरी मिस्टर शिप एंड थैंक्स फॉर योर वूल, या फिर बहुत सारा खाना, या फिर आई हेट दिस। एनीवेज तो ये है क्रिएटिव मोड जो कि बहुत सारे प्लेयर्स में पसंद, या फिर बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत पसंद है। और इसका मेन रीज़न है आप इस मोड में उड़ सकते हो और आप कोई फॉल डैमेज नहीं लेते हो, दैट मीन्स इस मोड में आपको कोई मार नहीं सकता एंड दैट्स कूल। एंड इसका दूसरा रीज़न है जो बहुत सारे लोग ये इस मोड को पसंद करते हैं वो है आप इस मोड में जो भी इस गेम में ब्लॉक्स प्रेजेंट है, जो भी बहुत सारे ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स आपको दिखेंगे या फिर बहुत सारे एक्सेसरीज है पोशंस है वो आप क्रिएटिव मोड में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको जितना चाहे आपकी जो भी कुछ आइडियाज़ है आप जो भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएटिव मोड में बना सकते हैं। और आपको बहुत सारे वैरायटी में ब्लॉक्स में मिलेगी, सो दैट आपकी जो आइडियाज़ हैं वो आप बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हैं इंटरनेट पर अपलोड करके। सो दैट मैं खुद का भी आपके सामने एक छोटा सा क्रिएट कर लेता हूँ कुछ। लेट्स मेक लिटिल टावर, सो दैट आपको एक छोटी आइडिया आ जाएगी कि क्रिएटिव मोड एक्चुअली है क्या। और मैं थोड़ा गेम स्पीड अप कर लेता हूँ सो दैट आप बोर ना हो। यस तो कुछ सेकंड्स में मैंने ये मेरा टावर बना लिया है। आई नो ये इतना कुछ खास नहीं है बट लोग इस गेम में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इतने सारे खुद के दिन स्पेंड करते हैं और पूरे के पूरे जो गेम्स के सिटीज़ है या फिर रियल लाइफ जो सिटीज़ है वो पूरे इस गेम में बना लेते हैं विथ प्रॉपर डिटेल्स। अगर आप GTA प्लेयर हो तो आपको मैं आपको स्क्रीन पे जो भी कुछ दिखा रहा हूँ वो आपको याद आएगा। यस ये GTA San Andreas का छोटा सा एक मैप है और आप इस गेम के टोटल डाउनलोड्स देख सकते हैं जो कि मैंने MCPE मास्टर से लिया हुआ है। टोटल 1.27 करोड़ लोगों ने ये मैप डाउनलोड किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन आप प्ले स्टोर पर जाएँ और डाउनलोड करें। बट प्ले स्टोर पर जाने के पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये गेम खेलने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे
दैट मीन्स ये पेड ऐप है, बट ये पेड ऐप होने के बावजूद बहुत पावरफुल ऐप है, बहुत एंटरटेनिंग ऐप है। सो दैट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि खुद का थोड़ा सा मनी स्पेंड कीजिए और ये ऐप डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने क्रिएशंस है वो पूरे वर्ल्ड को दिखाइए। सो मैं इधर अपना वीडियो रोक देता हूँ, सॉरी इफ मैंने आपको बोर किया हो, बिकॉज आई एम लिटिल बिट नर्वस। और एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।